बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है सहयोगी है सत्ता में, वो कह रही है जेडीयू को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को अने मार्ग खाली करने की धमकी इशारों में संजय जायसवाल जी ने दे दी। तो जिस समाज की, जिस बिरादरी की राजनीति मुकेश सहनी जी करते हैं, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। जो सम्मान तेजस्वी यादव जी ने दिया, तीन तीन सीट पार्लियामेंट के चुनाव में 2019 में दिया था, लेकिन झांसे में फंस कर चले गए। तो सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाते हैं, उसे भूला नहीं कहा जाता है, वो पीड़ा में है। वो छोटा भाई बता रहे तेजस्वी यादव जी, सारे बीमारियों की एक ही दवाई है इस सरकार की, जल्द से जल्द हो विदाई। तो विदाई के सारे उपाय, सारा स्क्रिप्ट तो लिखा जा रहा है, जो खेल आप देख रहे हैं, तो अंत हम लोग करेंगे। बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार जो बयानबाजियों का दौर है वो चालू है। लगातार जो एनडीए गठबंधन के जो चारों दल है वो आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं। बात करेंगे, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे। मृत्युंजय जी, इन दिनों एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही बयानबाजी का दौर चल रहा है, जब से जहरीली शराब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद से क्या लगता है एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, इन दिनों का सवाल नहीं है, जब से एनडीए सरकार बनी है तब से ही कुछ ठीक नहीं है। अब तो पूरी तरह से नंगा हो चुके हैं सभी दल जनता के सामने, कुछ भी वहां ठीक नहीं है, न कभी ठीक था। तो इसलिए राज तिलक की हो रही तैयारी, अब नहीं है बहुत ज्यादा देरी। आप लोग ये लगातार ये बात कर रहे हैं, राज तिलक की हो रही तैयारी, बिहार में खेला होगा, लेकिन कल जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आता है तेजस्वी यादव को लेके, लालू प्रसाद यादव को लेके, क्या लगता है बातें चल रही है क्या मुकेश सहनी से? अभी तो जिस खेल की बात हम लोग खेला की बात कर रहे थे, धीरे धीरे परत दर परत तो सामने आ रहा है ना, वो खेल तो जो एनडीए में चल रहा है शामिल दलों में जी। वो तो दिख ही रहा है, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। हमारे दावे में दम है, और बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है सहयोगी है सत्ता में, वो कह रही है जेडीयू को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को अने मार्ग खाली करने की धमकी इशारों में संजय जायसवाल जी ने दे दी। गाली गलौज तलवारें दोनों ओर से खिंची हुई है। जो छोटे दल हैं जिनके दम पर यह सरकार है, उनको कोई भाव तवज्जो मिल नहीं रहा है, वहां उपेक्षा हो रही है। अब उन लोगों को आभास हो रहा है, तो वो लोग भी देख रहे हैं कि अब तो जनता सब देख रही है, तो जनता तो पाई पाई का हिसाब समय आने पर लेगी। तो जिस समाज की, जिस बिरादरी की राजनीति मुकेश सहनी जी करते हैं, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। जो सम्मान तेजस्वी यादव जी ने दिया, तीन तीन सीट पार्लियामेंट के चुनाव में 2019 में दिया था, लेकिन झांसे में फंस कर चले गए। तो सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाते हैं, उसे भूला नहीं कहा जाता है। अब सब लोगों को ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जी के अंदर ही बिहार की जनता का भविष्य सुरक्षित है। तेजस्वी यादव जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसके साथ सब लोग आएंगे। समय आने पर हम दिखाएंगे खेला का असर क्या होता है। जो खेल एनडीए ने शुरू किया है उसका अंत हम करेंगे, क्योंकि जनता की चिंता तेजस्वी यादव जी को है। जनता की चिंता तेजस्वी यादव को। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पे और राजद पे बड़ा आरोप लगाया था, कहा था पीठ में खंजर घोंपने का काम किए हैं, और आप स्वागत सब राजनीति में स्वागत का सवाल नहीं है, वो पीड़ा में है। वो छोटा भाई बता रहे तेजस्वी यादव जी को, बड़ा भाई का ये संस्कार है, हमारा ये संस्कार है, हमारे नेता का आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी की उदारता और महानता है, जो भूलवश आपने देखा होगा कि भटक जाते हैं, तो फिर बहुत लोग उदाहरण है आए हैं। तो सवाल उसका नहीं है स्वागत का, तब तो आप कहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, मिल गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी विधानसभा में उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा मुक्त बनाएंगे देश, कहाँ है? तो राजनीति में जो गलती लोग करते हैं उनको एहसास अगर हो जाता है तो गलती को लोग माफ कर देते हैं। ये लड़ाई है बिहार की 12-13 करोड़ जनता की, बहुत कुछ भूल कर भी बिहार की जनता के लिए कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, लेकिन सिद्धांतों से नहीं, वैसे ताकतों से नहीं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। तेजस्वी यादव जी को तो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, सबसे बड़े दल के नेता है। तो जब तक
सारे बीमारियों की एक ही दवाई है, इस सरकार की जल्द से जल्द हो विदाई। तो विदाई के सारे उपाय, सारा स्क्रिप्ट तो लिखा जा रहा है, जो खेल आप देख रहे हैं, तो अंत हम लोग करेंगे, अंत हम लोग करेंगे। तो विदाई की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू तो कहती है कब होगी खेला। अरे जेडीयू को बायोस्कोप से दिखाएंगे समय आने पर, उनको ये खेला समझ में नहीं आ रहा है। तो मुख्यमंत्री आवास खाली करने की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने धमकी दिया है, खाली कर दे, तलवा चाट करके भी सत्ता में बने रहना है तो रहे। लेकिन अब बहुत ज्यादा सरकार की नैया का पतवार जो है वो हाथ में है मांझी जी सहनी जी का जी। तो ये नाव अब डूबेगी, अब पतवार इनका जब्त हो गया। तो क्या लगता है मांझी जी या सहनी जी दोनों आपके कांटेक्ट में? देखिए बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं राजनीति में जी। तो जब जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, अगर उनको लगता है कि हम अपने समाज का, जनता का नहीं भला कर रहे हैं, तो वो विकल्प खोजते हैं। ये तो चलता रहता है, तो बदलेगी सरकार, बिहार की जनता का भला होगा। अब कौन कांटेक्ट में है नहीं है, सब बात तो कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए। अच्छा एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी 175 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, और यहाँ पे एनडीए गठबंधन का साथ है। एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मृत्युंजय जी। कल उन्होंने कहा कि हैसियत की बात उन्होंने कह दी, आप बोल रहे हैं कि घर का भूला सामने, तो क्या लग रहा है? क्या हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि हम बिहार की 13 करोड़ जनता की चिंता तेजस्वी यादव जी को है, इसके इतर हमें कुछ नहीं कहना है। उसके लिए जनता की भलाई इस लड़ाई में नहीं हो रही है, जनता पिस रही है। तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जनता की ताकत पर हम, जो होता है एक जिम्मेवार विपक्ष का दायित्व, उसका निर्वहन करेंगे। ये थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा कि बिहार में जल्दी खेला होगा और बड़ा खेला होगा, क्योंकि कई लोग एनडीए गठबंधन में हैं जो काफ़ी ज़्यादा दर्द में हैं, और दर्द तो सिर्फ एक ही इंसान ख़त्म कर सकता है, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हमारे नेता तेजस्वी यादव। तो देखने वाली बात है कि बिहार की सियासत में क्या बड़ा उलटफेर होता है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।